नमस्कार। 20 फरवरी दिन शनिवार, हिमाचल अभी .com का यह रेडियो कार्यक्रम है। नजर डालेंगे आज की खबरों पर, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर बोले सीएम जयराम ठाकुर, अभी बजट की हो रही है तैयारियां, आने वाले समय में किया जाएगा विचार। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, रस्सियों से खींची गाड़ियां। कुलदीप राठौर ने कहा, नगर निगम चुनाव के बाद पार्टी पदाधिकारियों के कार्यों की होगी समीक्षा। पहली बार होगी SOS की प्रैक्टिकल परीक्षाएं, डेटशीट जारी। ऊना के अंब में सेना भर्ती का प्रशिक्षण ले रहे लड़के लड़कियां आपस में भिड़े, जमकर चले लात घूंसे और डंडे। बिहार में ड्यूटी के दौरान फंदे पर झूल गया हिमाचल के ऊना का 29 वर्षीय जवान। पांवटा साहिब के जामनीवाला के जंगल में वन विभाग की दबिश, दो भट्टियां, 500 लीटर लाहन नष्ट। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल वासियों को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से अभी राहत की उम्मीद नहीं दिखती है। जयराम सरकार का फिलहाल लोगों को राहत देने का कोई इरादा नहीं है, ऐसे संकेत खुद सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान दिए। नीति आयोग की बैठक के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने जब लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से राहत देने के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल सरकार बजट की तैयारी करने में लगी है, आने वाले समय में इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महंगाई का दौर है और केंद्र सरकार महंगाई से राहत देने के मामले में गंभीर है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मंत्रियों और विधायकों को काम करना होगा और परफॉर्मेंस देनी होगी। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। शनिवार को लगातार 12वें दिन इन उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हाल ये है कि पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर पहुंचने वाला है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर है। युवा कांग्रेस, सेवा दल सहित कांग्रेस के अन्य संगठनों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर शिमला में अनोखा प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रस्सी से खींचा। इसी तरह हिमाचल के अन्य जिलों में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि नगर निगम चुनाव के बाद पार्टी पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी पर्यवेक्षकों की समिति का गठन कर दिया है। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव को पार्टी चिन्ह पर करवाने की मांग की है। कांग्रेस इन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पार्टी की कमियों की समीक्षा भी करेगी और जहां कहीं कमियां रही है उन्हें दूर किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर शिमला में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने धर्मशाला में आयोजित बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में पारित प्रस्ताव को भी पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि नए कृषि कानून किसान विरोधी है और कांग्रेस इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेगी। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत राज्य मुक्त विद्यालय यानी SOS के तहत 10वीं और जमा 2 की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की इस साल पहली बार प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। इससे पहले SOS के तहत प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं होती थी, बल्कि पूरे 100 अंकों का प्रश्न पत्र ही होता था। इस साल बोर्ड ने SOS परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए साइंस संकाय में जमा 2 की पढ़ाई करने का अवसर दिया है। अब SOS परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी होगी। अभी 22 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। 22 फरवरी के बाद पता चलेगा कि SOS के तहत साइंस संकाय में कितने छात्र परीक्षा देंगे। SOS 10वीं और जमा 2 की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 से लेकर 22 मार्च तक होगी। SOS की प्रैक्टिकल परीक्षाएं छात्रों के अध्ययन केंद्रों में ही होनी है। SOS प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक अध्ययन केंद्रों से नियमित छात्रों की तरह ही केंद्र को जारी की गई यूजर आईडी के माध्यम से भेजे जाने हैं। आगे की खबरें ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। एक लड़के ने फब्तियां कसी तो फिल्म स्टाइल में लड़कियों ने लड़कों की जमकर धुलाई कर दी। अंब के बेहड़ जसवां चक गांव का यह मामला है। यहां पर सेना के भर्ती के लिए प्रशिक्षण ले रहे दो निजी अकादमियों के लड़के और लड़कियों के बीच एक ग्राउंड में लात घूंसों से ही नहीं बल्कि लाठी डंडों के साथ मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि सुबह जब लड़कियों का एक ग्रुप मैदान में दौड़ रहा था तो वहां पर दूसरी अकादमी के एक लड़के ने उन पर फब्तियां कसनी शुरू कर दी। इस पर गुस्साई लड़कियों की उन लड़कों के साथ कहासुनी हो गई। उस समय मामला शांत होने पर लड़कियां वहां से चली गई, लेकिन लड़कियां दोबारा फिर फिल्म स्टाइल में हाथों में लाठी डंडे लेकर लौटी और लड़कों के साथ भिड़ गई। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एसपी ऊना अरजीत सेन ठाकुर ने माना कि वीडियो के आधार पर पुलिस के संज्ञान में यह मामला आया है, लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा शिकायत आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऊना के बंगाणा उपमंडल के तहत पड़ते मलांगढ़ गांव में रहने वाले 29 वर्षीय सेना के जवान ने बिहार के पूर्णिया जिले में ड्यूटी के दौरान फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जवान के फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने की खबर से समूचे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मलांगढ़ गांव के उप प्रधान संजीव सोनी ने मामले की पुष्टि की है। हालांकि मृतक का सैनिक जसविंदर सिंह उर्फ रिंकू कश्यप का शव अभी बिहार के पूर्णिया जिले में ही है। वहां पर तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही उसे गांव लाया जा सकता है। मलांगढ़ निवासी जसविंदर उर्फ रिंकू पुत्र हरसिला राम सेना में बतौर लिपिक तैनात था। जसविंदर ने बिहार के पूर्णिया जिले में अपनी पोस्टिंग के स्थान पर ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जसविंदर ने आत्महत्या क्यों की अभी इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। उपमंडल पांवटा साहिब के जामनीवाला जंगल में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर दो भट्टियों सहित 500 लीटर लाहन को नष्ट किया है। विभाग की इस कार्रवाई के दौरान शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। वन विभाग को लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि पांवटा साहिब के जामनीवाला जंगल में अवैध शराब बनाने का कारोबार चल रहा है। लिहाजा वन विभाग के शिमला के उड़न दस्ते व पांवटा वन मंडल की टीम ने जंगल में छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान टीम ने पाया कि जंगल में दो भट्टियों पर 6 ड्रमों में अवैध शराब तैयार की जा रही थी। लिहाजा कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने 500 लीटर लाहन नष्ट किया। उधर वन विभाग पांवटा साहिब के डीएफओ कुणाल अंग्रीश ने मामले की पुष्टि की है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।